हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट टॉपिक में कि हम सैक्रिफिशियल एनोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमने वीडियो अपने कंडेंसर के वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया था कि सैक्रिफिशियल एनोड क्या करता है कि हमारा रेट ऑफ करोजन कम कर देता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले समझेंगे टर्म कि करोजन कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं करोजन क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक तरह केमिकल रिएक्शन है, यानी कि हमारा इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो हमारा यहां पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली जो आयरन है वो अपने आप को रिड्यूस अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और उसका आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आयरन जो है, अगर हम बात करते हैं, ये क्या करने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ठीक है, ये या फिर ट्रिपल पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर ये आयरन जो है हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि रेड प्रेसिपिटेट होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे रस्ट के मामले में, तो रस्ट आप देखते हैं कि लाल रंग का हमको दिखता है नॉर्मली, कहां रेड प्रेसिपिटेट होता है, जो किसी काम का नहीं है, तो डस्ट है। और हमारा अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आयरन है मटेरियल है वो क्या होता है कि धीरे 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 डिप्लीट होता रहता है और फेलियर हो जाता है। तो इसी डस्ट फॉर्मेशन को या फिर इसी हम रिएक्शन को क्या करते हैं, इसका रेट ऑफ जो है काफी स्लो कर देते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर ध्यान न दे तो काफी हद तक उसको एलिमिनेट करने की हम कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो मेन मटेरियल है वो जो है कि हमारा उसकी लाइफ लॉन्ग बनी रहे और मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें फेलियर ना हो। तो इसके बारे में हम जानने के लिए, अगर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, जाना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल केमिकल रिएक्शन में, अगर हम नॉर्मली इसकी बात करें, तो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड चाहिए। तो कंडेंसर के केस में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाटर फ्लो होता रहता है, या इलेक्ट्रोड के मामले में बात करें तो आयरन, और हमारा हम बात करें कि एल्यूमिनियम ब्रास जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं ये होते ही हैं। तो हमारा क्या होता है उस कंडीशन में, एक टर्म आता है कि किसका कौन सा कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है। तो अगर हम बात करें कि एक टर्म आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह का आप इजिली अवेलेबल है जिसमें कि हमारा दिखाता है कि जो भी अगर हम बात करें प्रोडक्ट टेबल में जितने भी मेटल्स पीस हैं उनका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है। उसके कारण अगर हम देखेंगे तो उस सीरीज में कि हाँ वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी जो नीचे की जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल काफी निगेटिव होती है वो काफी रिएक्टिव होते हैं, हमको एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जिनका इनका अगर हम बात करें कि हाँ उसका वोल्टेज निगेटिव है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम है, वो काफी एक्टिव मेटल या फिर उसको बोलते हैं कि हाँ काफी उनको एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। तो उन्हीं एक्टिव मेटल्स से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन करते हैं, और हमारा क्या होता है कि उस कंडीशन में आयरन, यानी कि अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का चार्ट देखें, जैसा कि आपको हम इमेजेस में दिखेगा कि वहां पर हम वो मेटेरियल जो कि आयरन से नीचे आते हैं उनको एज अ एक्टिव मेटल हम लेते हैं, और ताकि क्या होता है कि उनका ऑक्सीडेशन हो सके और हमारा आयरन का रिडक्शन हो और हमारा आयरन जो है, यानी कि हमारा जो मेन सेल है वो बचा रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो टर्म आते हैं, ऑक्सीडेशन और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दो टर्म आपको मिलेंगे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब कि हमारा टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इस केस में है, अगर हमारा बात करें सैक्रिफिशियल एनोड नहीं यूज करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी आप देखते हैं किसी भी केसेस में हम देखते हैं कि रस्ट आयरन देखते हैं, तो वहां पे अल्टीमेटली है कि वो उस आयरन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और दूसरा है रिडक्शन के अंदर कि टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो मायने रखता है कि वो मटेरियल जिस पे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। तो अगर हम सिंपल से एग्जांपल यहां पर जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं कि हमने जिंक और कॉपर को लिया है, जिंक को हमने एनोड पर रखते हैं, एनोड पर रखा है, ठीक है,
क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल काफी माइनस निगेटिव माइनस 0.76 है, जबकि कॉपर का उससे ऊपर है प्लस में आता है। तो क्या होता है कि नॉर्मली हमने बोला कि जिंक और कॉपर में सबसे अगर हम बात करें कि एक्टिव मटेरियल कौन सा हुआ, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा कम है वो काफी एक्टिव मटेरियल हुआ। तो इस केस में क्या हुआ कि यहां पर एनोड अपने आप अल्टीमेटली एनोड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिंक एज ए एनोड काम करेगा और कॉपर एज अ कैथोड काम करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा नॉर्मली कि जहां भी एनोड है एनोड पर हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कहां होगा एनोड पे होगा और रिडक्शन कहां होगा कैथोड पे होगा। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि हमारा जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा जेड एन पॉजिटिव। अगर ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा जेड एन डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली और कॉपर क्या करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारा जो अगर हम बात करते हैं कि एम्पियर फ्लो भी नॉर्मली हम तक केमिकल रिएक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके रिवर्स में हमारा इलेक्ट्रॉन का करंट का एम्पियर का फ्लो बनता है, यानी कि हमारा जो एम्पियर होगा वो प्लस से माइनस में फ्लो होता रहता है। तो वो तो अलग चीज हो गया, हम बात कर रहे हैं अपने एनोड इस टॉपिक के बारे में। तो ऑक्सीडेशन सिंपल सा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि हमारे कंडेंसर में जैसे कि हम आयरन है हमारा, तो हम आयरन के नीचे जो भी है यानी कि जो भी एक्टिव मेटल्स आयरन के नीचे है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो चार्ट है उसमें जो भी है, जैसे कि हम बात करें उसमें जिंक होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इन तीनों में से कोई भी एक या फिर इनका कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं एलॉय, ये तीनों या फिर और भी हैं इसके नीचे उनका एलॉय हम यूज करते हैं एज अ सैक्रिफिशियल एनोड। नाम से ही पता चल रहा है सैक्रिफिशियल, यानी कि सैक्रिफाइस करता है ये अपने आप को, इस वर्ड से आपको क्लियर होगा। इसको गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं, सेकेंड टर्म गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड को, गैल्वनाइजेशन या फिर सैक्रिफिशियल यानी कि अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल एनोड बोलते हैं। तो जैसे ही हम आयरन कंडेंसर के केस में इन तीनों में से या फिर इन तीनों का कोई एक एलॉय लेते हैं तो क्या होता है अपने आप जो मटेरियल है यानी कि जो सैक्रिफिशियल एनोड है वो क्या बन जाता है एज अ एनोड बन जाता है और हमारा उस कंडीशन में आयरन कंटेंट यानी कि हमारा जो कंडेंसर का सेल है सेल जो बन जाएगा कंडेंसर सेल कैथोड बन जाएगा। तो कैथोड बन जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि हमारा एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने शुरू हो जाएगा और हमारा जो है कंडेंसर सेल वो बच जाएगा, यानी कि जो भी इरोजन होगा इस केस में जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो भी हमने लिया है जो हमको चीप पड़ता है जो या फिर जो एलॉय चीप पड़ता है वो और या फिर हम वहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और हमारा मटेरियल जो है लूज होने का कंडीशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर भी अगर हम मटेरियल है तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें इरोजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्रोजन की वजह से और जो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां पर यानी कि हमारा जो हम बात करेंगे सेल के ऊपर सीधा सीधा वहां पर केवल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे तो हमारा वहां पर कोई बहुत बहुत ही माइनर बोल सकते हैं कि हमारा वहां पर क्रोजन के चांसेस होते हैं। ये तभी होगा क्योंकि ये क्या होता है सैक्रिफिशियल एनोड का जो मटेरियल्स होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं तो जब भी होता है एक बार इंस्पेक्शन करते हैं आप देखेंगे दोनों साइड के कंडेंसर जो है हमारा आप देखेंगे कंडेंसर के फ्रंट साइड और रियर साइड जहां वाटर फ्लो होता रहता है वो दोनों साइड पे सैक्रिफिशियल एनोड लगाए रहते हैं और उसको हम हमेशा ध्यान देते रहते हैं ताकि वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे ऑब्वियस बात है क्रोजन होगा धीरे धीरे डिप्लीट करेगा और ये काफी कॉस्टली भी होता है क्योंकि अगर हम बात करें आयरन से आयरन कंपेरिजन में तो ये या फिर इनका एलॉय काफी महंगे भी होते हैं तो हम इन पर ध्यान देते हैं कि हाँ समय के साथ साथ जितना भी इनका डिप्लीशन हो रहा है हर शटडाउन में चेक भी करते हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं कि वो इरोड हो गया या फिर वो मतलब खत्म हो गया है तो उसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं क्योंकि अगर ये खत्म हुआ तो तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आयरन ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अगर इस केस में अगर हम सैक्रिफिशियल एनोड यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हमने पहले बात जो रिएक्शन किया था ये वाला कि हाँ आयरन जो है एफ डबल पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन करेगा और दूसरा क्या होता है इस ये रिएक्शन रहेगा ऑक्सीजन क्या करेगा ऑक्सीजन या फिर वाटर को क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोक्साइड में बनाएगा। ठीक है वो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं वहां से देख लीजिएगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोक्साइड जो है क्या करेगा
ये बनाएगा और ये अल्टीमेटली जो हमारा रेड हम बोल सकते हैं रेड ऑक्साइड ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये क्या हमारा हमारा रेड प्रेसिपिटेट होता है। यही होता है डस्ट, यानी कि जंग बोलते हैं इसको हम, जंग हिंदी में बोलते हैं, वो रेड प्रेसिपिटेट जो होता है ये अनस्टेबल फॉर्म में इसका ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हमारा उस केस में जब हमारा सैक्रिफिकेशन एनोड नहीं रहेगा उस केस में ये रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली हमारा फिर क्या होगा सेल जो है जो हमारा कंडेंसर का सेल है वो लिक्विड होने लगेगा, उसमें क्रोथन होने लगेगा और जल्दी ही वो खत्म हो जाएगा और फिर हमें उसका रिपेयर करवाना पड़ेगा और जो कि काफी कॉस्टली होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं सैक्रिफिशियल एनोड को यूज करते हैं। आप देखेंगे दो या तीन पीसेस होते हैं, नॉर्मली इनका कुछ करना नहीं होता है, या तो हम सीरियसली उसको एक कंडेंसर के किसी भी पोजीशन पे जहां पे कंटिन्यूअस या फिर टॉप पे या फिर बॉटम में कहीं भी जहां पे फ्लो इंटरप्ट ना हो रेगुलर वहां पे हम उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी उसको अटैच कर देते हैं या फिर कहीं कहीं हम अगर चाहते हैं तो हम उसको वायर के थ्रू भी लेड वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा अल्टीमेटली जो ये एनोड होता है वो सेल वाटर साइड में रहता है जहां पर हमारा वाटर का फ्लो होता रहता है कंडेंसर के अंदर। और सैक्रिफिशियल एनोड केवल कंडेंसर में नहीं हर वो जगह पर जहां पे वाटर का फ्लो होता रहता है, इवन हम बात करें कि हाँ वाटर पाइपलाइंस में भी यूज किया जाता है, हमारे ब्रिजेस जो है हम बात करते हैं कि हाँ अंडर वाटर जो ब्रिज होते हैं जो मेटल के ब्रिज होते हैं वहां भी यूज किया जाता है ताकि उसमें स्लो रेट क्रोजन होता रहे, ठीक है। तो ये चीजें पहले भी यूज होती थी अभी भी यूज होती है, हमारा ध्यान हो सकता है ना गया हो, नो डाउट आप लोगों में से कई लोगों ने इसको ध्यान दिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और पूछा भी जाता है कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। टर्बाइन का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे पूछा भी जाता है कि हाँ सैक्रिफिशियल एनोड क्या होता है, आपने कभी देखा है या नहीं देखा है, तो आपको दिख जाएगा वहां पर। आप जब भी कंडेंसर खुलता है एक बार देखिए इंस्पेक्ट करिए और अगर वो खत्म हो गया है डिप्लीट हो गया है तो उसको फिर से चेंज करिए ताकि आपका जो है कंडेंसर सेफ रहे, ठीक है। तो ये एक बेसिक हुआ। अगर हम एक सिंपल सी बात करें करोजन का, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है क्या जो वो एयर में जो हमारा करोजन होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या सैक्रिफिशियल एनोड के थ्रू, तो वहां पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको एक इलेक्ट्रोलाइट फ्लो चाहिए, लेकिन एयर के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लो पोटेंशियल मेटेरियल्स होते हैं, इसमें हमको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलाइट चाहिए है। एज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इस केस में वाटर फ्लो करता रहता है, तो लोअर वोल्टेज में भी वहां पर क्या होता रहता है कंटिन्यूअस हल्का हल्का आप बोल सकते हैं कहा एक वोल्टेज डेवलप होता रहता है। तो एयर के केस में जहां पे हमारा एयर के थ्रू क्रोजन होता रहता है एयर में मॉइस्चर के कारण, वहां पर हम सैक्रिफिशियल एनोड का यूज करके बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर जहां हमारा वाटर फ्लो होता रहता है वहां पर सैक्रिफिशियल एनोड काफी इफेक्टिव है और हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा नॉर्मली एक सैक्रिफिशियल एनोड के ऊपर टॉपिक रहा, आई थिंक आप लोग को मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक ये थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।